गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। मॉनिटर। ए मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस दैट इज आल्सो नोन एज वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कनेक्टेड कंप्यूटर वाया ए कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। मॉनिटर क्या होता है, क्या वर्क होता है? कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम उसमें कुछ टाइप करते हैं या फिर कोई भी पिक्चर, वीडियो या कुछ भी हम उसमें प्ले करते हैं, वो जो भी हमें डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है। मॉनिटर देखने में टीवी जैसा होता है, उसी तरह उसकी शेप होती है, लेकिन इसके जो वर्क होते हैं वो उससे थोड़ा सा अलग होता है। और इनमें जो वीडियो वीडियो कार्ड होता है वो टीवी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ग्राफिक्स होते हैं, वीडियो हम देख सकते हैं, टेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं, इमेज, ये सब चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। जो भी हम वर्क करते हैं वो सारा डिस्प्ले मॉनिटर में होता है, इसे हम VDU भी कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। और ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें सारा मॉनिटर में दिखाई देता है। तो ये एक कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, जिसके बिना कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम करेंगे तो हमें बिना मॉनिटर के हमें दिखाई नहीं देगा हम उसमें क्या वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज फॉर पुटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग लेटर्स, वर्ड एंड नंबर्स इनटू योर कंप्यूटर। यू प्रेस द इंडिविजुअल बटन ऑन द कीबोर्ड व्हेन यू टाइप। द नंबर्स कीज अक्रॉस द टॉप ऑफ द कीबोर्ड आर आल्सो फाउंड ऑन द राइट ऑफ द कीबोर्ड। द लेटर्स की आर इन द सेंटर ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड मॉनिटर की तरह ही कीबोर्ड भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसका वर्क होता है कि हम कंप्यूटर में कोई कमांड देना, उसमें हम कोई अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक या फिर कोई भी हम जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं तो सारा हम कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं। बिना कीबोर्ड के हम कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कमांड हम माउस से भी देते हैं, लेकिन बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो कीबोर्ड भी कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, जिसमें कि नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, स्पेशल कीज होती हैं, और भी उसमें कीज होती हैं जिनसे अलग अलग डिफरेंट वर्क सबका होता है। ये पिक्चर है कीबोर्ड की, इस तरह से हमारा कीबोर्ड होता है। और कीबोर्ड के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे हमारा सबसे येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड के कीज हैं। जैसे कि यहाँ पे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं और उसी के ऊपर न्यूमेरिक भी है, नंबर्स भी हैं, उसके ऊपर फंक्शंस हैं, फंक्शन कीज हैं, उसके राइट में डिलीट के बटन्स हैं, एरो कीज हैं, पेज अप डाउन, होम, इंड, और इसके राइट में इंडिकेटर्स हैं, जिसमें कि जो हम नंबर की ऑन करते हैं तो वहाँ पे लाइट जल जाती है, कैप्स लॉक करते हैं ऑन तो कैप्स लॉक में लाइट ऑन हो जाती है। उसी के नीचे नंबर कीज दोबारा हैं, उसमें अल्फ़ाबेट के ऊपर भी है और यहाँ पर भी नंबर कीज हैं, यहाँ से भी नंबर कीज यूज कर सकते हैं। एस्केप का बटन है, कंट्रोल कीज है, आल्ट के बटन है, इंटर कीज है। इंटर की का यूज हम क्या करते हैं, जब हम कुछ भी लाइन टाइप करते हैं कंप्यूटर में, जो हमारा एम एस वर्ड का जो पेज होता है वहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, तो जब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो हम एंटर की प्रेस करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। कैप्स लॉक होता है, जब हम अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, फिर हम कैप्स लॉक अगर ऑन कर दें तो सारे फिर हम उन्हें कैपिटल में लिख सकते हैं, और फिर उसे दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर और दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। स्मॉल कीज में हम उसे लेटर्स में लिख सकते हैं। स्पेस बार है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, सबसे जो बड़ी कीज हमारी होती है कीबोर्ड में, लॉन्गेस्ट की जो होती है वो स्पेस बार होती है, सबसे बड़ी होती है। जब हम दो वर्ड लिख के बीच में स्पेस देते हैं तो हम स्पेस बार का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कीबोर्ड है, जिससे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी हम टाइप करते हैं या कोई भी कमांड या शॉर्टकट कीज हम कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
माउस। ए माउस इज ए स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज बाय हैंड। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड आल्सो यूजर्स टू मूव एंड सेलेक्ट फोल्डर टैक्स फाइल्स एंड आइकन्स ऑन द कंप्यूटर। तो माउस के द्वारा हम कोई भी कमांड देते हैं, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, टैक्स को करते हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कोई भी हम इससे कमांड दे सकते हैं। इसमें जैसा कि स्क्रीन में हमें दिखाई दे रहा है, इसकी ये पीछे इसकी बॉडी है और इसमें सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे कि गोल जो चक्र जैसा होता है उसे हम पेज को अप डाउन या फिर स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके लेफ्ट में एक कीज होती है, एक बटन होता है, एक राइट में होता है। तो दो इसमें बटन होते हैं और एक इसमें स्क्रॉल होता है, व्हील होता है। तो दोनों के अलग अलग यूज होता है, लेफ्ट की का अलग यूज होता है और राइट की का अलग यूज होता है। कोई भी हम कमांड देते हैं तो लेफ्ट की से देते हैं, क्लिक करते हैं, और कोई ऑप्शन हम किसी फाइल के या फोल्डर के खोलते हैं तो उसमें हम राइट की का यूज करते हैं। तो इस तरह से माउस काम करता है। नेक्स्ट है CPU। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सबसे मेन पार्ट्स हमारा होता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जो कि जो भी प्रोसेसिंग, जो भी वर्क होता है वो सारा CPU करता है। CPU सारे कमांड जो है CPU ही करता है, उसी के द्वारा जो कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं वो होता है। इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कंटेनिंग ऑल द सर्किटरी नीडेड टू प्रोसेस इनपुट स्टोर डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट। द CPU इज कंसेंटली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट टेल्स विच डाटा टू प्रोसेस एंड हाउ टू प्रोसेस इट। कंप्यूटर में किस तरह से डाटा प्रोसेस होता है, क्या वर्क उसे करना होता है, कौन सी कमांड कंप्यूटर में दी जाती है, वो सारा CPU देखता है और CPU उस पर इंस्ट्रक्शन आगे भेजता है और वही इनपुट आउटपुट जो वर्क होता है वो सबको CPU देखता है। इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो भी वर्क है वो सारा CPU करता है। जो भी सारा डाटा स्टोर होता है CPU में होता है। जो भी उसमें मेन जो पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, सबसे मेन पार्ट्स वो CPU होता है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर कंप्यूटर हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। और जो सारे जो हमारे डिवाइस होते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वो सारे CPU से ही कनेक्ट होते हैं और इसके द्वारा ही वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU। ये मेन पार्ट्स हैं जिनके बिना हम कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते हैं, और ये सारे इनका अपना अलग अलग यूज है और ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। तो हमने समझा कि पार्ट्स कंप्यूटर के मेन पार्ट जो हैं वो तो कौन कौन से हैं और उनका क्या वर्क होता है और किस तरह से वो वर्क करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।